हिमाचल प्रदेश तो एक वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे सोलन दे बद्दी विच पट्टा बरोटी वाला रोड ते सवारियां नाल भरी एक HRTC दी बस अचानक संतुलन विगड़न कारण डूंगी खाई विच डिगी। हासिल जानकारी मुताबिक इस बस विच 40 दे करीब लोग सवार सन जिन्हां विचों बहुत सारे लोग जख्मी हो गए ने। दस दिए कि यह बस जोड़जी साहब तो सवारियां लैके नालागढ़ जा रही सी। हादसे की खबर मिलदिया ही पुलिस अते प्रशासन की टीम मौके ते पहुंच गई है जिन्होंने नेड़े तेड़े रहिंदे लोगों की मदद नाल जख्मियों नू बचाया। प्राप्त जानकारी अनुसार यह हादसा बरोटी वाला दे थेड़पुरा नेड़े वापरिया। हुण तक दियां रिपोर्टां मुताबिक इस हादसे विच कुल 32 लोग जख्मी होए ने। इन्हां विचों 29 दा नालागढ़ हस्पताल विच इलाज चल रहा है जदों कि 2 जख्मियों नूं घटना वाली थां दे नेड़े दे हस्पताल विच दाखल करवाया गया। इस घटना विच बस दे कंडक्टर नूं सब तो ज़्यादा नुकसान होया है। फिलहाल इस हादसे विच किसी दे जानी नुकसान होने की खबर नहीं है। फिलहाल एक की हालत बहुत नाजुक है और उसे PGI चंडीगढ़ विखे रैफर कर दिया गया। दस दिए कि हिमाचल प्रदेश में मीह और जमीन खिसकण कारण कई हादसे वापर रहे हैं। पिछले दिन ही किन्नौर च एक बस हादसे का शिकार हो गई सी जिस विच 28 यात्रियों की मौत हो गई सी। दसनयोग है कि हिमाचल प्रदेश में सवेर तो मीह पै रहा है, भारी मीह कारण भयानक हादसा वापरन की भी संभावना है। फिलहाल पुलिस ने मौके का जायजा लैन तो बाद घटना के वापरन की जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ तो PBC न्यूज़ ले ब्यूरो रिपोर्ट।